नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मोवेल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूँ हर्पीस ज़ोस्टर या जिसको शिंगल्स भी कहा जाता है। हर्पीस ज़ोस्टर जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है और जो अगर किसी को हो जाए तो क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग में किसी भी एक साइड पे, यानी अगर राइट साइड के ऊपर हुआ है तो सिर्फ राइट साइड चेहरे पे, या अगर लेफ्ट साइड पे हुआ है तो लेफ्ट साइड के आर्म पे या टांग पे या छाती के ऊपर पानी भरे छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिनमें बहुत दर्द होता है, आसपास लाली भी आ सकती है और इससे रात को इतना दर्द होता है कि नींद नहीं आती है। तो हर्पीस ज़ोस्टर जो होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, शिंगल्स भी इसको कहा जाता है। अब जब यह होता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यदि आपको शरीर के एक भाग के अंदर पानी भरे छोटे छोटे दाने निकल आए हैं और वो दर्द बहुत कर रहे हैं और अक्सर ये देखा गया कि ये पैच में होते हैं या बैंड में होते हैं और शरीर के एक ही भाग में होते हैं, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी है क्योंकि वो आपको एंटीवायरल ड्रग जिनमें एसाइक्लोवीर, वेलसाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर होता है, जैसे कि आपकी मेडिकल कंडीशन है, जैसे किडनी प्रॉब्लम जिनको होती है उनको कम मात्रा में डोज दी जाती है, बच्चों में कम मात्रा में डोज दी जाती है, या माताएं बहनें जो कि प्रेगनेंसी में हो तो देखकर दवाई दी जाती है। दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी जिसके अंदर पेन किलर्स आएंगे। तीसरा एंटी हिस्टामिनिक जो कि लाली के लिए, खुजली के लिए, जलन के लिए दी जाती है। हफ्ते से 10 दिन का ये कोर्स दिया जाता है जिससे कि जो पानी भरे छाले हैं जिनमें दर्द हो रही है वो बैठ जाते हैं, वहां पपड़ी बन जाती है और एक बार पपड़ी बन जाए तो लगाने के कई लोशन आते हैं जो कि सूदिंग लोशन होते हैं जिनसे कि पपड़ी उतर जाए तब तक वो लगवाया जाता है। अब जितनी ज्यादा उम्र में हर्पीस हो उतना ज्यादा उसमें दर्द रहता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, कि हर्पीस तो चला गया बट उसका दर्द रह गया, ऐसा ओल्ड एज के अंदर जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ये रह सकता है दर्द तकरीबन 2-3 महीने भी। इसके लिए अलग अलग तरह की दवाइयां आती हैं और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि दिया जाए तो उनका बहुत हद तक वो ठीक हो जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है बट दर्द चली जाती है। अब अगर आपको हर्पीस ज़ोस्टर हो गया है, हर्पीस ज़ोस्टर वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स करता है, जब बचपन में होता है तो चिकन पॉक्स हो जाता है, फिर जाके वो आपके नर्व रूट के अंदर कहीं सो जाता है, डोरमेंट रह जाता है। उम्र के साथ साथ जब वृद्धावस्था के अंदर कभी भी इम्यूनिटी कम होती है, कभी भी आपको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग वगैरह दी जाती है, दवाई दी जाती है जैसे स्टेरॉयड या कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट, तो ये दोबारा भयंकर रूप से बाहर आता है और शरीर के एक भाग के ऊपर दर्द वाले छाले निकालता है। बट अगर आपको ये हुआ है हर्पीस ज़ोस्टर और घर के अंदर कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसको भी चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन नहीं लगी, या कोई बड़ा भी है जिसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी, तो आपसे इन लोगों को चिकन पॉक्स हो सकता है। तो यदि आपको हर्पीस ज़ोस्टर है और घर में ऐसा कोई लोग है जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, फिर चाहे वो बहुत छोटा बच्चा जिसको वैक्सीन नहीं लगी या बड़े लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी और चिकन पॉक्स भी नहीं हुआ, उनसे आपको दूर रहना चाहिए कहीं उनको चिकन पॉक्स ना हो जाए। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताएंगे तो किस मात्रा में कौन सी दवाई कितने टाइम तक देनी है वो आपको बताएगा। और हर्पीस ज़ोस्टर तकरीबन 30% पॉपुलेशन के अंदर कभी भी आपके लाइफ के अंदर होता है, इससे घबराने की बात नहीं है, ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक हो जाता है, दर्द जाकर नहीं रहता लंबा, बट हाँ ट्रीटमेंट लेना अच्छा है ताकि आपका पेन भी ठीक रहे, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो, कोई दाग धब्बे ना रह जाए। तो होपफुली आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हम समय समय पर आपको स्किन और एस्थेटिक्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।